माय चैनल, मैं हूँ आपकी होस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, अभी हम एक साइड वॉल हैंगिंग बनाना बताऊंगी आपको, जो अभी हमने रिसेंटली अपना तोरण बनाया था उसके लिए। तो उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसका लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले आप इस तरह की ये प्लास्टिक की वेल है, मैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में इसको यूज़ कर चुकी हूँ, हम वो लेंगे और उसको लेने के बाद में इसके ऊपर नॉट लगा देंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने थ्रेड ना सिर्फ 20 इंचेस का लिया है, क्योंकि मैं इसको बहुत छोटा सा साइड बनाऊंगी, क्योंकि वो हमारा तोरण काफ़ी हैवी था, तो उसके लिए मतलब बहुत ही मतलब सिंपल सी हम इसके बनाएंगे इसको हैंगिंग। तो इस तरह के बीड कैप लेंगे हम, और बीड कैप लगाने से पहले ज़रा इसको यहाँ पे इस तरह से ग्लू लगा देंगे, तो ये अपना जो हमारा कैप है वो अपनी जगह पे सेट हो जाएगा, तो जो हमारा नॉट है वो दिखाई भी नहीं देगा। तो पहले फ्रेंड्स देखिए, ये इस तरह की जो लेस मैंने अपनी अपना जो तोरण में लगाई थी, हम सेम उसी के जैसा मिलता जुलता बना रहे हैं, इसलिए हम इसके ऊपर भी ये लेस लगाएंगे पहले अपनी वेल के ऊपर। तो ये कंबूरे जैसे आप बाहर की तरफ ही रखिएगा इस तरह से, इसको हमें 2 राउंड्स इसके ऊपर देने हैं, बस ये साइड पे लगाते जाएंगे ग्लू को, और इसको हमें 2 बार इसको गोटे को इसके ऊपर घुमाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने मैंने बोला था आपको 2 राउंड्स हमें इसको कंप्लीट करने हैं, वो हमने कर लिया है। उसके बाद में ये हमारा जो ऊपर एक सर्कल आ रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे हम ये फिर से लगाएंगे अपना, लेकिन यहाँ हम ओनली 1 टाइम लगाएंगे इस तरीके से। इसको ये जो कंबूरे हैं वो बाहर साइड पे रहेंगे, और इस तरह से इसको सिर्फ ये सर्कल को हम कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, ये आप अपने ऊपर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, कम ज़्यादा इसका जो साइज़ है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं 20 इंचेस का रख रही हूँ, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। बस मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वो हमारा तोरण काफ़ी हैवी है तो लटकन को हम थोड़ा सादा भी रखेंगे तो चलेगी। इसको यहाँ ही रखेंगे हम बस, और इसको यहाँ साइड कॉर्नर पे पेस्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा बैल, अभी इसको फाइनल करते हैं। फ्रेंड्स सॉरी, ये मैंने इसको वीडियो बन नहीं पाया, सॉरी। इसको अभी हम जो हमारी पहले भी हमने अपना तोरण पे भी लगाई थी ये, वो अभी इसके ऊपर हमें लगानी है। तो उसको सिंपली हम अपना जो हमारा गोटा हमने लगाया था उसके ऊपर लगाएंगे, बस इस तरह से इसको पूरा करेंगे। और पूरा करने के बाद उसको कैसे हमें नॉट लगा के कट करना है, मैं वो भी इसमें बताऊंगी, मैंने अपना जो तोरण वाली वीडियो में नहीं बताया था। अभी इतना होने के बाद मैं इसको यहाँ आप ये इस तरह से, ये कोई भी आप आपके पास थ्रेड हो आप ले लीजिए, और उसको जहाँ हमें कट करना है वहाँ पे नॉट लगा दीजिए इस तरह से, टाइट करके इसको नॉट लगा दीजिए। और उसके आगे कट करेंगे हम, तो ये खुलेगी नहीं और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। ये करने के बाद में अभी देखिए, ये हमने नॉट लगाया है, इसके आगे से अभी हम इसको कट करेंगे, बस इतना यहाँ पे कट करेंगे, और इसको इस जगह पे लाके आपस में इनको कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे, और ऊपर फ्रेंड्स ये इस तरह की रेड कलर की है, वो हम इस पे यहाँ लगाएंगे, वो मैं भी बताती हूँ। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने ये येलो वाली अपना भी लगाया था, इसको सेम तरीके से हम लगाएंगे, बट हमें ध्यान ये रखना है कि जो हमारा नॉट हमने येलो वाले का आया था, सेम जगह ही हमारा नॉट आना चाहिए, इसलिए हम स्टार्ट भी वहीं से करेंगे, ताकि हमारा जो नॉट है वो सेम जगह की आएगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दोनों नोट सेम जगह ही आई हैं। अभी हमें क्या करना है कि इसके ऊपर पहले ग्लू लगा दीजिए, और ग्लू लगाने के बाद में जो फ्लावर हमने अपना तोरण पे लगाया था वही सेम फ्लावर अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे, दोनों नोट्स के ऊपर लगाएंगे। इस तरीके से तो ये जो हमारी नोट्स हैं वो भी कवर हो जाएगा और इसको थोड़ा लुक भी अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, इतना होने के बाद में अभी आगे शुरू करते हैं। तो इस तरह का एक बीट कैप लेंगे और ये गोटा रैप बॉल है वो लेंगे। इसको यहाँ भी थोड़ा सा ग्लू लगा दीजिए तो ये अपनी जगह पे सेट हो जाएंगी, अदरवाइज ये इधर उधर घूमती हैं तो उसका लुक अच्छा नहीं आता। इसको इस तरह से करेंगे ताकि वो सेम अपनी जगह पे ही रहेंगी। इसको दोनों साइड इस तरह से हम बीट कैप लगाएंगे। 2-3 सेकंड के लिए थोड़ा ठहरने दीजिए उसको। अभी हम इसमें पर्ल्स डालेंगे, ये 8 mm साइज के और 6 mm साइज के मैं पर्ल्स ले रही हूँ, गोल्डन कलर के। इस तरीके से हम इसको लगाएंगे और उसके बाद में फिर से अपना ये बीट कैप जाएगा और अपना बॉल जाएगी उसके ऊपर। तो यहाँ फिर से हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने से वो अच्छी जगह पे अपना सेट हो जाता है, इधर उधर हिलता नहीं है वो। जस्ट इसलिए अगर आप करना चाहो तो कीजिए, अदरवाइज नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, अभी हम ये रेड कलर के पोम पोम लेंगे, बीड कैप लेंगे और रेड कलर, ये येलो कलर का पोम पोम है, सॉरी, येलो कलर का पोम पोम लेंगे हम 2 एक साथ। और ये जो हमारी बॉल थी इसके बाद में ये येलो कलर का पोम पोम आएगा। ये थोड़ा ऐसे ही होते हैं, इसको आप ट्रिम कर दीजिए या अपने हाथ से ही ठीक कर दीजिए। और उसके लगाने के बाद में ये फिर से हम इस तरह का बीट कैप डालेंगे और इस तरह के पर्ल्स डालने के बाद में फ्रेंड्स, अभी ये हमने फिर से बीट कैप लिया है। उसके बाद में हम सेम जैसे हमने येलो कलर के 2 पोम पोम्स लिए थे, उसके बाद में हम इसी तरह से रेड पोम पोम लेंगे और उसके बाद में अपना बीट कैप, और इसी तरीके से हम इसको रिपीट कर देंगे। इसके बाद में हम इस तरह की बॉल्स रखेंगे, फिर से हम पोम पोम रखेंगे और फिर से बॉल रखेंगे। तो जो हमारा साइड वॉल हैंगिंग बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। ये देखिए, पहले भी बॉल्स डाले हैं हमने, फिर उसके बाद में पोम पोम्स डाले, फिर से बॉल, फिर से हमारे 2 पोम पोम्स आए हैं और इस तरह की बॉल्स। अभी मैं फाइनल लुक आपको दे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दोनों साइड वॉल हैंगिंग बनके तैयार हो गई हैं जो इस तरह से हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।